तो कुछ दिन पहले मैं अहमदाबाद गया था टू अटेंड अ प्रेयर मीटिंग। वहाँ पे कुछ सीखने गया था, कुछ एक्सपीरियंसेस करने गया था एंड ऑफ कोर्स नए जगह को एक्सप्लोर करने गया था। तो आज का व्लॉग उसी के ऊपर है, ट्रैवल व्लॉग। बहुत दिन हो गया ना व्लॉग नहीं आया मेरे चैनल पे, ये रहा। तो 19 घंटे की थकान भरी जर्नी के बाद मैं फाइनली पहुंच गया अहमदाबाद गुजरात। केम छो मजा मा हूँ पन खूब मजा मा छो। तो ये जो ट्रिप है ये मेरी लाइफ का सबसे पहला ट्रिप है। इससे पहले मैं कभी आउट ऑफ स्टेशन नहीं गया हूँ, ना अकेले ना दोस्तों के साथ। जहाँ भी जाता हूँ बड़े अच्छे बच्चों की तरह रात को 8-9 बजे तक घर आ जाता हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि किस खुशी के साथ मैं अहमदाबाद लैंड किया ट्रेन में। अहमदाबाद मैं 3 दिन के लिए गया था और 2 दिन मैं जिस मेन पर्पस से गया था उस पर फुल फोकस था। मतलब 2 दिन के लिए ब्लॉग ब्लॉग साइड कर दिया, सारे मीटिंग्स में अटेंड किया, नए लोगों से मिला और वहाँ के म्यूजिशियन से भी मिला। मतलब इतने डाउन टू अर्थ थे ना भाई, इतने हम्बल थे, सच बता रहा हूँ ऑसम लोग थे वहाँ के। तो वो सब होने के बाद अगले दिन मैं बोला क्यों ना अब नए जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं गया रिवर फ्रंट। हेलो हेलो फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद बोले तो अहमदाबाद बोलते गुज्जू में। तो हूँ अत्यारे अहमदाबाद में छू, बस इतना ही आता है गुज्जू। और अभी मैं इधर रिवर फ्रंट बोल के एक प्लेस है वहाँ पे आया हूँ और जगह को मैं काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। ये एक्चुअली मेरा डे 3 है, 2 दिन मैं एंजॉय किया, सोचा तीसरा दिन ब्लॉग करता हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग में एंजॉय तो होगा नहीं भाई। तो मैं सोचा पहले एंजॉय कर लेते उसके बाद ब्लॉग करते तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और जगह तो क्या ही दिखाऊँ, एंजॉय करो बस। तो जैसे जैसे मैं कुछ प्लान करता रहूँगा
तो तमे खबर पड़ी जासे और बस केम छो मजा हुआ? मैं भी खूब मजा हुआ। Like I'm 17, cause you want what's under my skin. The door is open, but I won't let me in. So won't you say what you said to me? Say it, baby. On the roof of your house. So I've been having my doubts. Yeah, don't know what we could be. Sometimes I feel we're nothing, but you talk like we're something. I guess now. नहीं आ जाओ, नकली है ये, नकली है। गुजराती आती है? हिंदी आती है? तो गुजरात में क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान में है ना गुजरात? नहीं वो तो ठीक है, गुजराती बोलने आती है? नहीं आती ना, मुझे भी नहीं आती। इसका नाम क्या? और तेरा नाम? अंश। इसमें बैठना, बैठना है, बैठ जाओ। मैं बैठ जाऊँ? आजा बैठ। अब जिंदा हो जाएगा, भाग। ये बड़ा आसरा ये। I guess now we're giving it a try. I like the way you describe it to people who won't go quiet. ये जो टाइम लैप्स आप देखे हो, इस टाइम लैप्स में दर्द छुपा है भाई। आप देखो पहले अच्छे से, समझ आएगा। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ कबूतर भी है, और वर्स्ट पार्ट ये है कि कबूतर ने यहाँ कुछ ऊपर से गिरा दिया। आओ आपको रिप्ले में दिखाता हूँ, स्लोमो जूम करके। तो वहां से आने के बाद जहां मैं रुका था वहां पास में एक सोसाइटी थी जहां पे कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे। तो मैं बोला क्यों ना बच्चों के साथ बच्चे बन जाते। आदित्य, आदित्य कैमरा मैन, हेलो कर दे। हेलो, हाय। तेरा नाम क्या है? वनराज। हेलो कर दे। हेलो, चल अब खेलेंगे। अब हेलो, जल्दी कैच ले, कैच ले। कैच छोड़ेगा तो फिर से और खेलने मिलेगा। मारना नहीं है, सिक्स कैच देना है। बाय 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 बाय। और वहां पे नीलेश भाई भी मिले जिनके पास बाइक थी। मतलब मैं सोचा नहीं था कि बाइक में भी घूमूंगा, वहां का थोड़ा राइड भी हो गया। मेरे पास एक्चुअली घूमने के लिए सिर्फ एक दिन था,
क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा ट्रेन था, तो सोचा क्यों ना और जगह को एक्सप्लोर करते हैं। और फिर मैं उसके बाद गया लाल दरवाज़ा। नहीं, लाल दरवाज़ा कोई दरवाज़ा नहीं है जिसका रंग लाल हो, ये एक मार्केट का नाम है, मतलब शॉपिंग टाइप से कुछ। शॉपिंग ख़त्म करने के बाद काफ़ी धूप खा लिया था, तो सोचा क्यों ना थोड़ा खाना खा लेते। और गुजरात आए और गुजराती खाना नहीं खाए, तो गुजरात आए क्यों ये बताओ। गुजरात में खाना खाने के बाद बटर मिल्क कंपलसरी। तो काफ़ी कुछ एंजॉय कर लिया गुजरात अहमदाबाद में, मतलब 3 दिन मेरे लाइफ का बेस्ट 3 दिन था। और इस 3 दिन में मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, बहुत मेमोरीज़ बनाया। वो सारा मेमोरीज़ को मैं इसमें डाल दे रहा हूँ ब्लॉग में, ताकि जब भी मेरा दिल करे तो मैं खुद ये ब्लॉग देख लूँ। तो ये बात। और बाकी बैकग्राउंड कैसा? अच्छा, थैंक यू। જે કોઈ અહીંયા ગુજરાતી છોકરા છોકરીયા જે અત્યારે વિડીયો જોઈ રહ્યા છે, કેમ છો? મજામાં? હું પણ ખૂબ મજામાં છું।